अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबकी मुजेंद्र बाशेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सोकर उठ गई, नमाज भी हो गई, मगरिब भी हो गई, अभी बस बैठे थे तो मैंने सोचा मम्मी की मुंह जबानी सुनो। अभी शहजान तो है नहीं, ना तो दोनों मिलकर बताए होते कि मेरे साथ वहां पे क्या हुआ था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मत पूछो, मुंजीर का एक्सपीरियंस तो बाप रे बाप, बहुत बोले थे तो दिमाग की बत्ती गुल जाती ऐसा था उसका नानी भी कुछ वहां से बोल रहे क्या बोले ना, दिमाग की दही कर दी थी, दिमाग की दही ऐसी बाप रे बाप ऐसी एंजाइटी और ऐसा पैनिक, तो बोलती पैनिक अटैक आ गया था उसको, गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। हाँ तो रियली मेरे को पैनिक अटैक ही आया था। हाँ तो वही ना, वही पहले ही जाने से पहले इतनी वो थी कि बाप रे बाप। नहीं आप पहले में नहीं थे ना, तो ये मैं पहले वाला मैं बताती हूँ। जैसे अंदर गई ना मैं, शहजान और मैं गए, बैठी हुई थी ना हम लोग के साथ में, वो पहले मैं डर रही थी, ऐसी बैठी हुई थी, खड़ी हो जा रही है, बैठ रही है, क्योंकि मैंने मूवीज में देखी थी ना, वैसे अंदर जाते और डरावना लगता है, बैठी नहीं रही वहां भी, उठ बैठ कर ही रही थी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं अंदर गई, मैं और शहजान गए पहले, मम्मी ने बोला था एक ही अलाउड है, तो मम्मी ने शहजान को बोला तुम जाओ अंदर। अब अंदर गई तो पहले तो लेटा है मुझे, तो जैसे मुझे बांधे ना वो जो ऐसा कुछ लगाते क्लिप जैसा, नहीं और कुछ लगा भी देते क्लिप जैसा बेल्ट जैसा, तो तभी मेरे ना हाथ पैर शिवर करने लग गए, और वो भी समझ गई थी, उसने बोली इसको थोड़ा ना काम होने दो काम होने दो, शहजान को यही बोल रही थी वो बार बार कि काम होने दो उसको। फिर जैसे मैं अंदर थोड़ा सा गई तो मैंने बाय मिस्टेक आँख खोल दी, बस वो जो मुझे ऊपर से बंद दिखा ना तो वो मेरी ऐसी हालत हुई। तो बस वो टाइम पे ना मैं और मेरी बॉडी शिवर होने लग गई और एकदम मैं पैनिक कर रही थी, और मैंने ऐसा बोली कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, तो वो लोग निकाल नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि ये लोग शायद मुझे निकालेंगे नहीं अंदर डाल देंगे, तो और मैं पैनिक हो गई। फिर जैसे बाहर निकाला ना तो मुझे ना कुछ समझ नहीं रहा था, मैं ठंडी पड़ गई थी, दो मिनट में पलट के देख रही तो वहां से शहजान उसको पकड़ के लेके आ रहा है, क्या हो गया तुमने, नहीं तो कहीं नहीं अंदर वापस आए। वो तो अच्छा शहजान ने मुझे दोनों हाथ से पकड़ के लेके आया और मैं गिर गई, मतलब वो मुझे इतना प्रेशर आ गया था, उस टाइम पे वीडियो कैमरा ऑन नहीं था, पता नहीं था कैसे गिर जाएगी, वरना वो भी दिखाया होते थे जल्दी जल्दी पानी वो, तो वैसे भी कैमरा भी ऑन होता तो भी बंद ही हो जाता, क्योंकि वो पैनिक होता है इंसान, तो फिर वीडियो वगैरह सब क्या देखे। और वहाँ पे मैं ऐसा गिर गई बीच में ही, मतलब नीचे वो तो शहजान से पूरे बॉडी में लटक के नीचे गिर गई मैं, ऐसा कुछ हुआ। फिर मैंने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, फिर कितनी मुश्किल से उठा के साइड में बिठाया, फिर इतना समझाया, इतना उसको थोड़ा सा उसकी टांग पकड़ के शहजान वो साइड से बैठे सर पे, तब जाके वो अंदर गई। बताओ मैंने क्या बताया, शहजान क्या कर रहे थे मेरे साथ? हाँ शहजान बोलते ऐसे 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 कर रहे थे मुझे पीछे से, तो मेरा सारा ध्यान वहीं जा रहा था कि ये करना क्या चाह रहे मुझे, मैं ऐसे पैर दबा रही, मम्मी आगे से मेरे पैर दबा रहे और शहजान वहां से मेरा आँख को पूरा पता रही, आँख गाल नाक सब। फिर ना अंदर कुछ बोले भी जा रहे हैं कि क्या ये नाक क्यों ऐसी हो रही है तुम्हारी, ये गाल क्यों ऐसे हो रहे है, माइंड डाइवर्ट। तो मेरा ध्यान ना पूरी आँख पे ही जा रहा था मेरे, लेकिन मैं पूरा टाइम कलमा पढ़ती रही और मैंने आँख ही नहीं खोली। पहले तो जैसा गई तो अंदर चालू था पहले, हाँ तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिक शिवर कर रही थी, वो अब वो मेरे को बोल रही कि हिलो मत, वो मेरी बॉडी ऑटोमेट शिवर कर रही थी, हिल रही थी अंदर। फिर वो जो अंदर आवाज आती है टी 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 टी, तो 15 मिनट का था मेरा, 1 घंटे का। हाँ मम्मी का भी जब ऑपरेशन हुआ था तो उनका मेरा पूरा पैक था, तो पर आप खुला था, आप माशाल्लाह मेंटली स्ट्रांग है ना, भी हुआ था मुझे भी हुआ था, लेकिन आधे घंटे के बाद मतलब क्योंकि मुझे भी बांध दिए थे पूरा टाइट बांध दिए थे, एकदम हिल ले सकते, और मेरा पूरा पैक था, तेरा तो यहाँ से खुला था वहां से भी खुला था, दिखता था क्यों नहीं क्या, मेरा तो कोई भी नहीं था आजू बाजू में, और मेरे हेडफोन लगा दिए थे कान में, वहां से वो लगा लंबी सांस लो छोड़ो सांस लो छोड़ो, मेरे कान में तो कॉटन डाले सिर्फ, और कुछ मेडिसिन चिपकाए थे मेरी बैग पे, जहाँ पे बोला पॉइंट जो है ना चलते, आपको तो इंजेक्शन दिए थे मुझे, कुछ ऐसे मेडिसिन चिपकाए पीछे, वो जहाँ पे पॉइंट पे दुख रहा है ना बस बैग पे चिपकाए मेरे, तो यहाँ पे वो लगा के रखे थे ना यहाँ से, फिर वो इंजेक्शन देते थे, फिर वो इंजेक्शन भी ऐसा कुछ होता था कि अंदर है ना हीट लगती थी पूरी हीट, मतलब अंदर से पूरा बॉडी गर्म हो जाती, वो बोलते भी आपको ऐसा गर्म फील होगा थोड़ा देर तक के, कितनी देर तक ना यहाँ से जो स्टार्ट होता था नीचे तक के पूरा गर्म जलता है ना अंदर से, हाँ नहीं, 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 नहीं
गरम जैसा अंदर से लेकिन मुझे मुझे लगता है जैसे आपको जो इंजेक्शन दिए थे ना वो मुझे वो जो मेडिसिन से हो रहा था ना क्योंकि मुझे फील हो रहा था वहां पे ना पूरा गरम गरम मेरी बैक पे हो रहा था उतना ही और खींच रही थी मेरी बैक मतलब पूरा ऐसा लग रहा था मैं बोली और क्यों दुख रहा है मुझे बैक पे और बाप रे कितना मम्मी 15-20 मिनट मुझे अंदर रखे थे तो वो जो धीरे ऐसा होता है एक पॉइंट थोड़ा सा आगे जाते फिर बजता है फिर वो 5 मिनट तक एक जगह रहते फिर आगे जाते थोड़ा सर्वाइकल से टेल बोन तक लिया है तो उन लोगों को मतलब जानना है अभी लोग ने पिछले कमेंट किए ब्लॉग में नहीं लोग पिछले ब्लॉग में ऐसा कमेंट किए कि फ्रैक्चर होता है तो इंसान बैठ नहीं पाता है बट फ्रैक्चर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं तो जैसे वो जो हम ऑर्थोपेडिक के पास गए थे बता रहे थे कि फ्रैक्चर कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं कि टूट के जुड़ जाते हैं उसका इन्फ्लेमेशन छोड़ देते इन्फ्लेमेशन छोड़ते वो जब हम कराएंगे ना तो पूरा दिख कर आएगा कि प्रॉब्लम दिख के और मेरा रीजन ये हुआ था कि मैं वॉशरूम में गिरी थी 3-4 बार और वो भी पूरा मेरे टेल बोन पे गिरी हूँ पूरा वेट लेके और पूरा 360 ऐसे स्लिप होके गिरी हूँ तो वो चिकना जैसे अपना स्लिप होता है तो कैसा होता है वो उड़ के गिरो तो वैसा हुआ था तो वो मुझे वो टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन ये सब बाद में होने लगा मुझे तो उन्होंने कब से टाइम पास कर रही थी मैं बोली करवा ले बेटर नहीं मैं गई तो थी बीच में MRI मैं पहले MRI नहीं मतलब डॉक्टर्स लोग के पास पहले मैं और शहजान मेरे को तभी लेकर गए तभी भी मैं मना कर रही थी बेल बज के हाँ जाकर ब्रेक के बाद मिलते सो मम्मी आ गए वापस तो क्या बोल रहे थे मम्मी में हाँ तो बस यही था तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा टेल बोन है तो जैसे हमारी बोन ऐसी रहती है तो अगर आप गिरते हो तो वो ऐसी हो जाती है तो वो चीज़ मालूम नहीं पड़ती है मतलब अगर फ्रैक्चर भी होता है ना तो मालूम नहीं पड़ता है तो वो उस रीज़न की वजह से मुझे MRI करना है बोला है समझे आपके सामने तो आप नहीं थे शायद तभी दवाई लेने गए थे कुछ तो कर रहे थे तभी उसने ये बोली थी मुझे वो डॉक्टर जो थे ना डॉक्टर श्रद्धा उसको तो पता है कि नहीं अफान को बताती हूँ ना अफान को बताती हूँ मैं अफान हाँ तो क्या बोल रही थी मैं हाँ तो बस यही सीन है उसके लिए मुझे MRI करना है बोला है वो हो गया आप देखते हैं इंशाल्लाह रिपोर्ट क्या आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ठीक है रिपोर्ट के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा क्या क्या नहीं हाँ मेडिसिन चालू होगी मेरी और बोले अगर अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हुआ तो 3 महीने रेस्ट करने बोले तो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो एक हफ्ता भी बेड रेस्ट हो जाए तो इंसान एकदम वो हो जाता है तो 3 महीना तो बहुत हो जाता है चलो होपिंग फॉर द बेस्ट मम्मी ऑल द बेस्ट अभी बस हम निकलेंगे अपने घर को ठीक है मम्मी जाने के लिए मुझे दे ही नहीं रहे बोले मज्जा कितनी बार बोले मम्मी जा रहा तो मेरी रुक जा आवेज आ रहा नहीं आपने मुझे कल भी बोले मज्जा परसों भी बोले मज्जा करते रहते तो मेरी शादी करा है क्यों जब मज्जा करते वो तो 2-3 दिन के लिए तो बोलता ना मज्जा चल जी हमेशा के लिए तो वैसे तो ऐसे हो जाते अरे आज क्यों जा रही तू क्यों जा रही तू नानी भी है ना तो थोड़ा हाँ नानी भी चालू रहता अरे तू जा रही मैं भी जा रही हूँ नानी क्या बोलते मम्मी नानी बोले 19 को जाना सुनो ना नानी क्या बोलते मालूम है बोलते अच्छा तू जा रही है चल फिर मैं भी चली जाऊंगी कल ऐसे बोल रहे मेरे लिए रुके ना हाँ चढ़ी गाँव उसी दिन ही जाने वाले थे तेरे लिए रुक गए तो उसी दिन चल मम्मी भाई नानी सैड हो रहे सो अब हम कर रहे हैं डिनर मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई या नमक का वाइट चिकन जो बनाया था मम्मी ने भिंडी और स्प्राउट्स बनाए थे सो यहाँ पे जैद भी आया है और अभी शेजी से बात कर रहा है तुम यहाँ वाले के मैं देख तुम मैंने देखा है अभी नहीं ऐसे करके मैं वीडियो पूछ रहा है और एक टाइम जरा सो यहाँ पर अब ये लोग अपनी प्राइवेट बातें कर रहे थे तो मैं ऐसे ही सोची कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ लोग के एक्सप्रेशंस और फिर अचानक है ना जैद को मालूम पड़ा कि मैं वीडियो ले रही तो देखो उसके एक्सप्रेशंस कैसे कर रहा है बहुत फ़नी है इसके एक्सप्रेशंस बहुत फ़नी रहते हैं फिर शहजान भी एकदम ऐसे वो हो गए कह रहे कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है तो दोनों ना कुछ और भलती बात करने लगे थे लेकिन मैंने म्यूट कर दिया और मैं उस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग बस इनकी शक्लें देखो और इन्जॉय करो सो गाइज अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग मैं गई नहीं कल क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी तो मम्मी ने वैसे मम्मी बहाना ढूंढ रहे थे मुझे रोकने का लेकिन बोले नहीं उन्होंने स्क्रीन पर बट ठीक है चलो एक वो रहता है ना तो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई अभी मुझे सर्दी भी हो गई है कल वो एक्चुअली जो मैं बहुत पैनिक कर गई थी ना तो उस वजह से मेरा सर वगैरह बहुत दर्द होने लग गया था और बहुत ऐसे डाउन हो गई थी मैं तो वही मम्मी को ऐसे एकदम फिक्र हो गई कि बोले कि मत जाए काम कर थोड़ा एक दिन और रुक जाए तो मैंने बोला चल ठीक है कल शाम तो वैसे भी हो गई थी तो मैंने बोला चलो सुबह ही जाते हैं और अब बस ऐसा लगता है अब जाना है क्योंकि अब शहजान की भी बहुत याद आ रही है तो
वैसे तो कल उनसे मुलाकात हो गई थी, जो अभी हमारा मतलब मेरा MRI हुआ था, तो एक वो होता है ना, चलो देख लिया, बट इन द एंड तो वही मेरा घर है, वही जाना है मुझे। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ कल का दिन बहुत मज़ेदार था, लेकिन मुझे खुद, मैं सोच रही हूँ कि कैसा गया वो, मैं कैसे करके आई हूँ, लेकिन बहुत लोगों में हिम्मत रहती है, मैं बहुत मेंटली वीक हूँ सारी चीज़ों को लेकर, और अल्लाह मेरी मम्मी और शहजान को खुश रखे, उन लोग बेचारी मेरी इतनी खिदमत की मैं क्या बताऊँ, मतलब वो लोग के लिए ना दिल से दुआ निकली है कि बेचारे इतना मेरे लिए ऐसे मेरे साइड में दोनों के दोनों ऐसे डटे रहे, हिले नहीं, शहजान भी मम्मी भी, मतलब एक मम्मी मेरे पैर दबा रहे थे वो टाइम, शहजान मेरे सर पे कर रहे थे कि मुझे एक दिलासा दे रहे थे कि हम लोग हैं, और बस उस वजह से मैं वो MRI कर पाई, वरना मुझसे पता नहीं हो ही नहीं रहा था, मैंने बोल दिया था कि अब नहीं हुआ तो मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना मुझे एक घबराहट हो रही थी, मतलब मुझे एक थोड़ा सा घबराहट वाला है, मतलब अगर समझो पैक हो जाता है कहीं, मेरा हाथ अटक जाता है तो मैं ना बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, पता नहीं वो शायद किसी को होता है वो प्रॉब्लम, तो मुझमें है, मुझमें आई थिंक 99% प्रॉब्लम्स है ऐसा लगता है, अल्लाह बेहतर जाने क्या है, अल्लाह की शायद मैं बहुत फेवरेट हूँ, बोलते हैं ना अल्लाह जिस जो अल्लाह के फेवरेट होते हैं अल्लाह उन पर आजमाइश बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अल्लाह बस यही हो कि अल्लाह की मैं फेवरेट हूँ, अल्लाह मुझ पर आजमाइश से, मतलब क्या बोल रही हूँ, बस यही हो कि अल्लाह मुझ पर आजमाइशें कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बस मुझे सब्र दे, और मैं इस चीज़ में खुश हूँ, अगर अल्लाह इस चीज़ से राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ, बस यही है। और सर्दी भी हो गई गाइस, मुझे बहुत कर दी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, नज़र लग गई है, क्यों लगा रहे हो मुझे नज़र, क्या है ऐसा, मैंने क्या कर दिया लाइफ में, बट ठीक है गाइस, मैं मस्ती कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस दुआ में याद रखना कि इंशाल्लाह अब कुछ ऐसा नहीं हो कि मैं एक दूसरी चीज़ के लिए जाऊँ, और शर्म आने लगी है अभी ये सब भी शेयर करना पड़ता है आप लोग के साथ में। और हाँ गाइस, मुझे आप लोग से ये भी बोलना था, मैं अपनी गड़बड़ी में बोलना ही भूल गई कि इमरान भाई के डैडी है, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, तो गाइस उनको भी आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और सारी चीज़ें खैर उनके लिए, तो ज़रूर दुआ करना गाइज नाम लेकर के, इमरान भाई के डैडी है, मेरे को इमरान भाई के डैडी का नाम नहीं पता, बट ऐसा बोल देना चाहिए, तो वो तो अल्लाह दुआ कैसे भी कबूल करते हैं, बस दुआ करना रहता है, सच्ची नीयत से दुआ करना रहता है, सो बस अल्लाह हर माँ बाप का साया उनकी औलाद पे बनाए रखे, और अब तो ऐसी दुआ हो गई कि हर औलाद का साया भी अपने माँ बाप पे बनाए रखे। सो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, नहा धोकर फिर इंशाल्लाह मैं अपने घर के लिए निकलूँगी। मम्मी और अफान जाकर नीचे से इडली और इडली मेदू वड़ा और डोसा लेकर आए। सो गाइस, मैं निकल रही थी और भाईजान आया है, वो कहाँ जा रहा है अभी? दुबई जा रहा है, तो वो आया यहाँ पे, तो मैं बस उतर रही थी, मेरा बैग रेडी है, मैं उतर रही थी और ये आया, तीन दिन से धोखा दे रहा है मुझे, बट उसका काम था तो वो उसमें बिजी हो गया। हाँ दुबई का, उसके लिए वर्कशॉप के लिए भी, फिर उसके बाद आते ही मेरा कोलकाता वर्कशॉप है, उसके आते ही, उसके पहले मेरे दो वर्कशॉप मुंबई में है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो तीन दिन के अंदर काम खत्म करना था, सॉन्ग को लैब्स उड़ाने थे, क्या क्या नहीं करना था, काम ऐसा होता है ना, काम, this is my काम सी, और मैं आज भी क्या सोचा, चालू कर दी, और मैंने इसको बोला भी कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर कितना फिर भी लेट हो गया मेरे को। हाँ मैं बोली जल्दी आएगा तो अच्छे से, लेकिन लेट हो गया, तो जाते आते भी पहुंच गया मैंने, तो ये भी मैं नहीं पहुंचा था, ये नहीं बोल पहुंच गया, बोल मेरे से मिल दिया, मैं उतर रही थी जस्ट, अभी मेरा टाइमिंग है ना, चल ठीक है बाय, मैं भी जा रही हूं, टाइमिंग इज गुड यू नो, जा तू भी संभाल, चल तू भी जा संभाल के, मैं भी जा रही हूं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खेलते ना गेम, खेलते चल चल बाय। सो मैं अपने घर के लिए निकल गई हूँ अभी सामान लेकर। सो गाइज मैं घर आ गई थी, नमाज पढ़ा, खाना खाया, बातें बातें करने में सब रह गया, मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की, और शहजान भी अपने काम के लिए फिर निकल गए थे, फिर मैंने बेडशीट चेंज की क्योंकि आज जुम्मा था और मैं यहाँ थी नहीं, तो मैं हमेशा मतलब सुबह कर लेती हूँ, लेकिन जैसे भी मैं थी नहीं तो मैंने नमाज के बाद में बेडशीट चेंज की है, और उसके पहले पूरा रूम भी क्लीन कर दिया था, और ब्लॉग मैं शाम में ले रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी,
तो मैंने सोचा आप लोग को बाद में बताती हूँ, और शहजान अभी आएंगे तो उनको भी हम व्लॉग में लेंगे और एंड कर देंगे। सो गाइज, जैसे मैंने बोला था कि शहजान आएंगे तो मैं व्लॉग उनसे ही एंड करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ वो आए और मैं व्लॉग करना ही भूल गई। फिर सुबह उठी तो वो नहीं थे, वो अपने काम से निकल गए, तो मैंने सोचा छोड़ो अब मैं ही व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखिए, खास करके मेरे ससुर को और सभी को दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।